नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दुबई के बारे में। जी हाँ भाई, दुबई से आप लोग यार पता नहीं वीडियो देख देख के इतने सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सअप आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। सर हमें दुबई आए हुए 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, किसी के पास 1 महीने का वीज़ा है, किसी के पास 3 महीने का वीज़ा है, एजेंट के थ्रू गए हैं। कुछ लोग डायरेक्ट चले जाते हैं, जॉब सर्च करते हैं, जॉब नहीं मिल पाता है, एजेंट को यहाँ से आप लोग पैसा दे के चले जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं एजेंट हो जाता है फुरफुस। समझ गए बात को, राजस्थानी लोग समझते हैं फुरफुस क्या होता है। और वहां पे जाने के बाद आपको दिखता है आप दिन भर वाईफाई फ्री मिल जाता है दुबई में, आप सबको पता है, नेट देखते हैं, सब कुछ नेट पे बिजी रहते हैं, वीडियो आ जाता है वहां पे, नंबर मिल जाते हैं। और मेरे जैसे अब और को तो पता नहीं, मेरे पास जैसे आप लोग मैसेज करते हैं, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था कि आप लोग दुबई जाते हैं, वहां पे जाके आपकी क्या हरकतें होती हैं, क्या आप चाहते हैं, आपके साथ क्या होती है, क्या प्रॉब्लम आती है, उसका समाधान क्या हो सकता है, भाई पूरी डिटेल से जानिए। और इसमें यह भी मैं बताऊंगा कि मैं हेल्प क्यों नहीं करता, जानबूझ के हेल्प नहीं करता। जी हाँ, अब क्यों नहीं करता इसका भी जवाब इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब इंडिया से दुबई में विजिट में जाने का इतना भयंकर क्रेज चला हुआ है कि मुझे ये लगता है कि यार सब जाके वहाँ ऐसे ही बैठे हैं। जी हाँ, जिस तरह से आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, अरे भाई क्या कर रहे हैं आप यहाँ से प्लानिंग फिक्स करके जाते हैं किसी एजेंट के थ्रू कि वहाँ जाएंगे, ये काम करेंगे, इतनी तनख्वाह, जो भी जग काम करेंगे वगैरह वगैरह, आपकी जो भी थिंकिंग के साथ में आप जाते हैं। 2-4-5 दिन 10 दिन तो आप एक्टिव होते हैं तो बढ़िया तरीके से एजेंट के साथ में, धीरे धीरे आपको है ना फिर आदत पड़ जाती है। देखिए दुबई एक ऐसी कंट्री है, एक मकान पड़ा है बड़ा सा, उसमें 10-15 वीडियो पड़ा है यार, आप लोग भेजते हैं मुझे बना के। अब वो एक अलग बात है कि अपनी शक्ल, मैं कल एक बंदे को बोल रहा था, मैं बोला भाई इन 20 जो लोंडे बैठे हैं तेरे पास में, सबके मोबाइल, सब अपने मोबाइल में बिजी हैं, बिस्तर पे सबके वो गद्दे लगे पड़े हैं, सब अपने मोबाइल में, कोई कुछ देख रहा है, कोई तो कुछ देख रहा है, एक बंदा इससे सबका वीडियो बना के मुझे भेज रहा है। मैं बोला क्यों, आपका क्यों नहीं भेजा, दूसरे का क्यों भेजा, उनको तो पता भी नहीं है कि आपको, आप उनका वीडियो बना के मुझे शेयर कर रहे हैं और मैं उसको सोशल मीडिया पे डाल दूं, आपके साथ आपको दिखा दूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको रियल में प्रॉब्लम है तो आप अपना फेस दिखाइए ना, तब समझ में आता है कि हाँ आपको दिक्कत है, वरना तो मेरे पास दिन में कितने वीडियो आते हैं, मैं वीडियो किसी का नहीं डालता। हाँ अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है तो बंदा खुद वीडियो बना के डालेगा, वरना मैं ये समझता हूँ कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। जी हाँ, आप लोग वहाँ पे देखा मैंने वीडियो में, काफ़ी सारे वीडियो आए थे, सब पड़े हैं, वाईफाई फ्री मिल जाती है, एजेंट वहाँ पे जो होता है आपका वो देता रहता है, लंबे समय तक पड़े रहते हैं। आप मेरे जैसे लोग, मेरे को आप फोन करके, क्योंकि पिछले 10 से 15 दिन में देख रहा हूँ मैं कि मेरे पास 100 से 150 मैसेज ऐसे आए हैं कि सर आप जॉब लगवा दो, आप यहाँ पे किसी अच्छे एजेंट के नंबर दे दो, हमें जॉब लगवा दो, मैं आपकी फ़ीस दे दूंगा, आप मुझे जॉब लगवा दो पहले। अरे भाई एजेंट को तूने 80,000 रुपये दिए हैं, वो जॉब नहीं लगवा पाएगा, और मैं इंडिया में बैठ के आपको 1,500 रुपये जो मेरे की एडवाइस फीस है उसमें मैं जॉब लगवा दूं, ये संभव है क्या? नहीं है ना। जॉब अगर लगवाना है तो बिना पैसे भी लगवाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे आप बहुत सारे लोग, आप हेल्प नहीं करो, आप एजेंट के नंबर दे दो, ऑफिस बता दो, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई ठेकेदार बता दो, ऐसे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। यानी मेरे पास से आपका नंबर लेने का मतलब मेरी बाद में ऐसी की तैसी करना। इसका एग्जाम्पल 2019 में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, बहुत सारे लोग वो वीडियो देख के दुबई पहुंचे भी थे, वहाँ पे एजेंट भी था, एजेंट हरामी था, उसका नाम तो मैं अभी समय और थोड़ा वेट करूँगा उसके बाद बताऊँगा। बहुत सारे लोग वहाँ महीने 1.5 महीने बैठ गए, अब दिक्कत ही, एजेंट का नंबर दे दिया, एजेंट के साथ उनका टाइप हो गया, बातचीत हो गई, 80,000-70,000 जो भी उसने लिए, उसने उसी के अकाउंट में पैसे डाले, उनसे ले लिए, और वो मेरे से कोई संपर्क नहीं, एक चवनी भी मैंने ली नहीं। और फिर वीडियो के नीचे जाके, सर हम तो आपके थ्रू आए थे, आपने हमें नंबर दिया था, आपने हमें फंसा दिया। अरे भाई माफ़ करना मुझे, मैं गलती आगे से नहीं करूँगा, एक फ्री सेवा मैं देने की कोशिश कर रहा था बहुत सारे लोगों को कि डायरेक्ट एजेंट के नंबर दे दो, लेकिन एजेंट सब एक जैसे हैं भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है तो अशोक LLB ने हमें फंसा दिया, हमें दिक्कत, इसलिए मैं नंबर नहीं देता। इतनी कैपेसिटी है, कल भी एक बंदे का मैसेज आया था, आपको दिखा नहीं सकता, सोशल मीडिया पे बंदे ने मैसेज किया, बोला सर मैं फ्री में जॉब लगवा दूंगा, आपके पास कोई है तो बंदों का नंबर, मेरा नंबर उनको दे दीजिए या मुझे नंबर दे दीजिए। मैं सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, मैं बोला भाई अपने डॉक्यूमेंट सेंड करिए मुझे, तो बंदे ने अपना पासपोर्ट, अपनी फ़ोटो, अपने आधार कार्ड और अपनी UAE की जो ID बनी होती है वो भी, और पूरा एविडेंस मुझे डाल दिया। तो मुझे लगा यार बंदा ठीक है,
फिर उन डॉक्यूमेंट की मैंने जांच करी तो वो डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल थे खुद के, यानी बंदा यहाँ तक सही है। वरना बहुत सारे एजेंटों के मैसेज आते हैं, सर मैं जॉब लगवा दूँ, ये वैकेंसी है, मैं बोलूँ भाई तेरी फोटो भेज दे, फोटो भी अपनी नहीं भेजते, हाँ दूसरों का वीजा भेज देते हैं, आप लोग वहाँ कमरे में बैठे हैं, आप लोगों की वीडियो वो बनाए होते हैं वो सेंड कर देते हैं, उनकी फोटो डाल देते हैं, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाते, इसका मतलब मैं उसको फेक मानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को उनका नंबर नहीं देने वाला, क्योंकि नंबर दे दिए 150 लोगों का कॉन्टेक्ट हो गया, उसके बाद में वहाँ कोई भी दिक्कत आती है, लेट होती है, ऊपर नीचे कुछ होता है, अशोक LLB ने नंबर दिए थे, सर नंबर आपने दिए थे हमें ये प्रॉब्लम हो गई, मैं क्या करूँ। आज भी कैपेसिटी इतनी है कि पर डे मैं 100 बंदों को दुबई में यहाँ बैठे बैठे जॉब लगवा सकता हूँ, समझ गए हो, फ्री में बिना पैसे। लेकिन नहीं जी, गलत काम नहीं करना, ये काम इतना गंदा है कि आपको एक हेल्प करो आप फिर ठुकाई भी करवाओ, समझ गए, तो ऐसी गलती नहीं करनी ना, सच्चाई ये है। आप वहाँ किसी एजेंट के थ्रू गए, पैसे दे के गए हैं ना, उसकी क्यों नहीं मार लेते भाई, पैसा तो उसने लिया है, डंडा उसको चढ़ाओ ना, नहीं चढ़ाओ तो इंडिया आ जाओ वापस। इसलिए मैं आप लोगों की हेल्प दुबई के नाम से या किसी भी देश के नाम से मैं नहीं करता भाई, जॉब लगवा दो, एजेंट के नंबर भी नहीं देता मैं, क्यों दूं। मुझे ये भी पता है कि मैं ये बोल दूँ ठीक है नंबर देता हूँ, आप मुझे मेरी फीस डालिए, तो आप तैयार होते हैं डालने के लिए क्योंकि आपकी मजबूरी होती है, लेकिन मुझे ऐसी फीस नहीं चाहिए, मैं आपको नंबर दूँ फिर आपके साथ वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है फिर आप मुझे डंडा दें, ऐसा मैं गलती नहीं करने वाला। 2021 में गलती की थी, 50-60 लोगों को नंबर दिए थे मैंने, फिर मुझे पता है, तो ऐसी गलती मैं, मुझे ज़रूरत नहीं है इतने पैसों की, मैं कम ही ठीक है मेरे लिए, समझ गए बात को, ईमानदारी खत्म हो जाती है। फिर एक तो आपकी फ्री में हेल्प कर दो, नंबर दे दो, फिर वहाँ पे कोई दिक्कत होती है 6 महीने बाद भी दिक्कत होती है, अशोक सर जी आपने नंबर दिए थे मेरे साथ ये हो गया, मतलब पहले ये शब्द आता है सर जी आपने नंबर दिए थे मेरे साथ ये हो गया, तो ऐसा मैं नंबर दूँ क्योंकि आपके साथ कोई दिक्कत हो जाए फिर आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सअप करें, तो मुझे माफ़ करना भाई, ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी है कि आप बार बार मुझे परेशान करते हैं, एक दो एक मैसेज किया, दो किया, तीन किया, फिर सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे, प्लीज़ सर रिप्लाई दे, अरे भाई क्या रिप्लाई दें, जब आपको पता है कि मैं मैसेज रेड हो जा सीन हो गया, मैसेज मैंने देख लिया फिर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, दोबारा फ़ोन मैसेज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप अपने एजेंट को परेशान कीजिए, उनको पैसे दे के आए हैं, जिनको पैसे दे के आए ना उनकी हक बनता है, उनको आप परेशान करो टॉर्चर करो भाई, मुझे तो माफ़ करो मैं, हाँ आपको कोई प्रॉब्लम आती है इसके अलावा नंबर दे दो जॉब लगवा दो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ और उसका समाधान भी हो जाता है, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। बस यही अपडेट देना था साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, जय हिंद।